गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो गई है और कल रात को जो गीला हो गया था हमारे चरू, उससे उतनी दिक्कत कुछ नहीं थी। वो हवा से सूख गया था शाम तक, और कल मस्त वाली नींद लेने के बाद अभी मॉर्निंग में जैसे हम उठे हैं ना, धूप आ गई है, थोड़ा लेट उठे क्योंकि हम मूवी देखने में कल रह गए थे शाम को तुषार भाई के घर पे। तो मूवी देखकर हम आए और फिर सोए, तो अभी इतने लेट उठे और यहाँ देखो तो केम भी भाग गया है बाहर धूप सेकने के लिए, क्योंकि उसको ठंड लग गई है। वो देखो, वो रहा केम नीचे में धूप सेक रहा। तो हाथ धूप धोते हैं तो और नाश्ते की व्यवस्था करते हैं, नाश्ता वास्ता करेंगे। तो उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा आज पूरा विलेज में, मतलब पूरे गाँव में, ये जो कुंजी गाँव है, जितने भी होम स्टे है पूरे के पूरे दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों नाश्ता करके अभी बस हम रेडी हो गए, लेकिन रेडी जैसे हुए ना तो वैसे मेरे को याद आ गया कि मैंने किसी को बोल रखा था कि लिपाई करनी है। मैं सोचा था होम स्टे आप लोग को दिखाऊंगा, होम स्टे आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले घर की जो लिपाई पुताई होती है वो कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसे छट्टा पककर छेद हो रखे हैं, तो इसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रिपेयरिंग करने के बाद फिर उसके बाद मैं आप लोग को ले चलूँगा होम स्टे दिखाने के लिए। पहले मैं इसका काम निपटा लूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे सारे के सारे सामान जो मैंने कल लगा रखे थे, बिस्तर वगैरह सब के सब उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये काम मैं पहले निपटा लेता हूँ। इस कमरे का भी सामान कुछ ऐसे फैला पड़ा हुआ है सारे का सारा, अब इस सब को भी समेटना पड़ेगा मुझे। तो दोस्तों अभी मैं घर की ओर आ रहा हूँ, अभी बड़े भैया ने मीटिंग की है और पूछा कि क्या हम ओम पर्वत बेस की वगैरह कर सकते हैं, या परमिशन वगैरह में क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी। तो वो सारी चीज़ें बात करने के बाद, डिस्कस करने के बाद, अभी काफ़ी टाइम हो गया और मैं घर पे आ गया हूँ। देखता हूँ घर पे कितना काम हो गया है लिपाई पोताई वाला। तो ये रहा घर का हाल, जो छः छः थे अभी छः में हमारी लिपाई पोताई में मदद कर रही है, और एक कमरा लिपाई पोताई कंप्लीट हो चुका है। ये कमरा बहुत सुंदर बना दिया है इस कमरे को, और लिपाई पोताई का काम कर रहा। आप लोग बोलोगे यार बड़े लोगों से करवा रहे हो, तो रीज़न ये है कि मुझसे उतना क्लियर नहीं होता, मतलब उतना साफ से उन्हें सफाई से काम नहीं होता, जो गड्ढे वगैरह मेरे से ठीक से भरे नहीं जाते, हल्की फुल्की जैसे माना जब केवल धूल मिट्टी होती है उस टाइप की लिपाई पोताई तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन इतनी प्रोफेशनल वाली तरीके से मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने बोला गड्ढे वगैरह भरने हैं तो किसी और से मदद ज़रूर लेनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने कल तो सर को बोला था, तो सर ने अपनी मम्मी को बोला छन को, तो मेरा काम हो रहा है। अभी यहाँ पे नहीं हुआ है लिपाई पोताई, उस जगह से हो रही है वहाँ पे अभी भर रहे हैं, यहाँ पे गड्ढे भर दिए हैं ऐसे कह रहे हैं, इस सब जगह छेद छेद ऐसे हो रखा है पानी टपक कर। देख डांट भी रहे मेरे को कि कहाँ थे भैया अभी तक। तो चलिए ठीक है, पहले इसको निपटाते हैं, तो उसके बाद हम चलेंगे खाने के लिए। फिर उसके बाद गुंजी का जो आप लोग को मैंने वादा कर रखा है ना सारे होम स्टे दिखाने का, वो भी तो कराना बाकी है। तो दोस्तों अपना कमरा हो गया रेडी, सब ये अंदर वाला भी हो गया रेडी और ये भी हो गया रेडी, और यहाँ वाले पैच में मैंने खुद से कोशिश की थोड़ी बहुत लगाने की, लेकिन मेरे को बोल दिया कि देर से ना हो पाएगा और भगा दिया मेरे को। और अब हो रहा है हरीश दा के कमरे पे, अंदर वाले पे हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे, और ये कमरा एक बार हो जाए हरीश दा वाला, फिर उसके बाद मैं एक सब कुछ सामान ठीक ठाक से रख के जाऊँगा खाने के लिए। तो भैया कमरे से मैं अभी जैसे बाहर आया, हल्की हल्की है देखिए बूंदाबांदी जैसे होती है ना, बर्फबारी हो रही है हल्की हल्की छोटी छोटी, मैं आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए पिघल रही है बर्फ ऐसे, यहाँ हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, इससे बर्फबारी हो रही है। दिया आ गई किम के ऊपर, छोटे छोटे बर्फ के गोले दिखाई दे रहे हैं। आग के अंदर घुस रहा है देखो, बर्फ बर्फ बराई बर्फबारी। तो ये रहा बर्फबारी के बीच अपना घर, काफी सुंदर लग रहा है, ताला भी ऐसे लटका दिया था। अभी चलो देखते अंदर का हाल। ओहो सीढ़ी में भी लिपाई पुताई हो गई है अपनी। अरे किम तो यहीं अंदर बैठा है, ये हमारे साथ क्यों नहीं आया? हाँ किम सिंह अपने कमरे में तो हो गया था, बगल वाले में हरीश दा वाले में भी हो गया। अब इस कमरे को तो पैक ही करना है, इस कमरे को तो बंद ही करना है हमें,
तो खिड़कियां वगैरह जो थी खुली उसको मैं बंद कर देता हूँ। और देखो बाहर का व्यू दिखाता हूँ, बर्फबारी कैसी तगड़ी हो रही है। कमरे में अभी सामान कुछ ऐसे मैंने रख रखा है, मुझे लगा था कमरा सूख चुका होगा लेकिन अभी सूखा नहीं है, अभी भी जमीन थोड़ी बहुत गीली है। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ के हम जा रहे हैं सीधे मनीला, और बर्फबारी बहुत तगड़ी हो रही है। बर्फबारी के बीच में आपको दिखाएंगे हम क्या पूरी की पूरी होम स्टे टूर गुंजेगी। तो अभी मैंने विंडचीटर लगा ली है और दियोर में निकल रहे हैं बर्फबारी के बीच में मनी लग ले। तो मनीला जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वाईफाई में जाके मैसेज कर लूँ ज्योति को, क्योंकि वो भी परेशान हो रही होगी कि मौसम खराब है, कैसे हम सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार कोशिश करते हैं वाईफाई से कनेक्ट करके मैसेज करने की। ठीक है, और मैं आ गया हूँ अभी यहाँ पे छतम पे। तो सब कह रहे हैं कि वीडियो अच्छे से बनाना, इसलिए मैंने सोचा कि गिम्बल यूज़ कर लेता हूँ, गुंजी के जितने भी होमस्टे है वो सही से मैं दिखा पाऊँ। और पिछले बार नाभी वाले में तो क्या था कि आईफोन था मेरे पास, तो आईफोन से बहुत बढ़िया वीडियो बन गई थी, तो सारे होमस्टे मैंने उसी से कवर कर लिए थे। अब गुंजी में मेरे पास क्या था कि आईफोन है नहीं, LG विंग और साथ में अपना होहेम i-Study X उससे कर रहा हूँ। और मैं गुंजी से ठीक बाहर भी पहुँच गया हूँ और बर्फबारी बहुत तगड़ी हो रही है अभी। चलिए ज़्यादा लंबा अभी यहाँ शूट करूँगा तो बैटरी ड्रेन हो जाएगी ठंडे से, मैं मनीला पहुँच के आप लोगों से बात करता हूँ। तो दोस्तों ये पहुँच गया मनीला, और मनीला में आपको दिखाता हूँ होमस्टे। तो अभी देखिए किम्बल में यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि किम्बल ठंड से बंद हो गई है और ऑन नहीं हो रही है बिल्कुल भी। फ़ोन थोड़ा जेब में रखा होता तो चल रही है। देखिए अभी सामने जो है ये है पहला होमस्टे, ये है संजू का जयमल यहाँ का हमारे। अभी इसको इसका टूर कराता हूँ मैं आपको। तो अभी मैंने पूछा है जयमल यहाँ कहाँ है, तो वो कह रहे हैं पीछे दुकान पे कहीं पे है, क्योंकि तो आज काम नहीं चल रहा है, बराबर इतनी हो रही है। आपको मैं कमरे दिखा देता हूँ कि कैसे कमरे, नीचे पे देखिए एक यहाँ पे है, यहाँ पे मेरे को मालूम नहीं क्या बनने वाला है लेकिन अभी कुछ ऐसा है। और यहाँ से ऊपर का जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, भैया बेटा इसको पकड़ना, ये सीढ़ी। अच्छा अभी यहाँ बना नहीं है, बन जाएगा। एक कमरा यहाँ पे और यहाँ से दो कमरे यहाँ पे, बेड वगैरह बना दिए हैं, अभी कुछ ही दिनों में शायद स्टार्ट हो जाएगा इनका भी, ज़्यादा लंबा काम नहीं रहेगा। एक कमरा यहाँ पे है और यहाँ से ऐसे जाके थोड़ा बालकनी, और यहाँ पे एक कमरा और। देखिए गद्दे वगैरह और चारपाइयाँ सब के सब रेडी है, और यहाँ पे एक और कमरा है, और टॉयलेट वगैरह सारे नीचे है यहाँ पे, और ये किचन है यहाँ पे। तो ये रहा पहला होमस्टे जो जयमल यहाँ का है यहाँ पे। अब चलते हैं आगे पे। तो ये था अभी पहला होमस्टे, और यहाँ जो है ये यहाँ से आते समय पहला होमस्टे है शायद, और एक छोटा भाई है वो बना रहा है यहाँ पे होमस्टे, अभी खुला नहीं है, कोई है भी नहीं यहाँ पे। वो बना रहे हैं अपना हरिओम का होमस्टे है वो। अभी वो दारचूला पे है तो मैं इसे दिखा नहीं पा रहा हूँ अंदर पे क्या है क्या नहीं है, अभी शायद उसकी व्यवस्था भी पूरी नहीं हुई है। और बाकी अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, ये रहा फील्ड जहाँ क्रिकेट खेलते हैं मनीला में, इससे आगे पे आपको दिखाता हूँ कौन सा होमस्टे है। तो चलो चलते हैं फटाफट, आपको दिखाता हूँ सेकेंड होमस्टे। ये है सेकेंड होमस्टे जो जयमलिया के जस्ट बगल पे है, ये रहा होमस्टे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको यहाँ कैसी व्यवस्था है। आपको
तो यहाँ अंदर तो दुकान है भाई पूरी की पूरी, होम स्टे शायद पीछे की तरफ है। तो फर्स्ट जो होम स्टे था उसमें तो मैंने आपको नाम बता दिया था, लेकिन होम स्टे का ऐसा प्रॉपर कोई नाम नहीं था। अब यहाँ पे जो है ये इस वाले होम स्टे का नाम है आदि कैलाश ओम पर्थ होम स्टे कुंजी मनीला, और प्रोवाइडर है देख लीजिए जिनका है कलावती गुंजाल। तो ये है उनका होम स्टे, ठीक है। उसमें रहने की जो व्यवस्था है यहाँ पे कमरे वगैरह है, अभी देखो ठंड इतनी है कि सब लोग आराम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझ जाओगे यहाँ पे है, और लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था भी ठीक पीछे पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो अब ये होम स्टे देखने के बाद एक और दिखाता हूँ आपको होम स्टे, इसके जस्ट थोड़े से आगे पे है, ये रहा एक और होम स्टे, चले यहाँ चलते हैं। तो ये है अर्चना गुंजाल जी वाला होम स्टे, यहाँ है लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था, यहाँ पे होटल वगैरह है, खाने पीने की व्यवस्था है, यहाँ पे भी डॉर्मेटरी रूम है शायद, और पर्सनल रूम जो है शायद ये यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर लिखा है, जो ये एक पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, ये यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम है, यहाँ पे लिखा है 5 नंबर, इसका मतलब है यहाँ 5 कमरे हैं। तो ये 5 कमरे यहाँ हो गए, और यहाँ से ऑपरेट होता है सारा का सारा। तो अभी ये जो बगल में मेरे पीछे पे होम स्टे है, इसके बाद आगे पे इधर साइड पे कोई होम स्टे वगैरह है नहीं, दुकानें वगैरह है, लेकिन और अभी जो होम स्टे दिखाया इसके ठीक सामने पे भी एक होम स्टे है, ये वाला, ये नीला वाला, इसकी छत उड़ गई थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये विंटर में मनीला में बहुत तेज़ तूफान चलती है, तो उस तूफान में इसका जो छत है वो उड़ गया था, तो पता नहीं अभी भाई ने बंद कर रखे है क्या है। तो यहाँ पे गोविंद भाई अपना होम स्टे चलाया करता था, लेकिन छत उड़ गई थी, दोबारा बना रखा है इसने। तो यहाँ पे थी कुछ इस तरह की व्यवस्था, अभी तो ताला लगा यार, तो मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोग को। अब ले चलता हूँ मैं लक्की के होम स्टे पे, वो है नीचे पे, जो मनीला ये ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाले हिस्से पे है, जो चले चलते हैं अभी नीचे वाले हिस्से पे। तो अभी जितने भी मैंने होम स्टे दिखाया है वो सारे के सारे ऊपर पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मनीला का ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे अभी जो लास्ट होम स्टे दिखाया था वो ये रहा ये। अब यहाँ से ऐसे रोड नीचे जा रही है, तो वो नीचे पे हरा वाला जो दिखाई दे रहा है आपको जूम कर देता हूँ, ये वाला, ये है लक्की का होम स्टे। तो उस वाले होम स्टे पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, पहले नज़दीक पहुँचे उसके। तो अभी हम पहुँच गए इस वाले होम स्टे पे भी लक्की के, अभी गेट बिना खोले ऐसे जा रहे हैं। तो ये है होम स्टे, यहाँ पे भी बहुत सारे काम चलने भी बाकी है, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ से होगी। और ये रहा पहला कमरा जो डॉर्मेट्री है सबके लिए, यहाँ पे अभी सामान फैला हुआ है, अभी कुछ दिनों में हो जाएगा ये भी ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चारपाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये एक कमरा है, इसके पीछे वाले कमरे पे देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे गुंजी में आपको जितने भी दिखाई दे रहे होंगे कि होम स्टे है, पहले वाले के होम स्टे अभी थोड़े बहुत ठीक हो रखे हैं, लेकिन जो स्तर होता है ना, जो क्वालिटी होती है, वो धीरे धीरे बेटर 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 डे बाई डे होते जा रही है। देखिए पिछले साल तो कुछ भी नहीं था उसके मुकाबले, इस साल आपको इतना भी देखने को मिल रहा है, बड़ी बात है। इसके ठीक सामने पे ये भी डॉर्मेट्री के लिए बन रहा है, अभी बना नहीं है, यहाँ पे रूम जो है यहाँ पे बन रहा है, और जो कोई बंदा कैंपिंग वैम्पिंग करना चाहता है उनके लिए बेस अभी यहाँ पे सेटअप हो रही है, उसके बाद यहाँ पे टेंट वगैरह लगेंगे, 1, 2 और 3 बेस यहाँ पे रेडी हो रही है, यहाँ पे टेंट लगेंगे, और यहाँ पे जिसको टेंट पे रहना है वो यहाँ रह सकता है। और एक कमरा यहाँ का दिखाया था, एक कमरा इधर साइड का, वो मैं आपको भेज चल के दिखाता हूँ। अच्छा, तो मुझे लगा था जो अंदर पे डॉर्मेटरी थी ना, वो उसके बाद जो बगल वाला कमरा है ये, मुझे लगा ये अलग है, ये एक ही कमरा है, उधर साइड से भी रास्ता था, इधर साइड से भी रास्ता है। तो जो डॉर्मेटरी थी जिसमें 8 बेड दिखाए थे आपको, वो यही कमरा है, और ये पूरा का पूरा एरिया इतना है यहाँ पे। और जो होम स्टे थे बाकी के ना, जो ऊपर वाले मनीला पे दिखाए थे, देखिए वो दिखाई दे रही है, एक होम स्टे, दो होम स्टे, और यहाँ पे भी एक होम स्टे थी, इसके आगे भी एक होम स्टे थी। तो ये रहा, और गांव है यहाँ पे गुंजी, और गुंजी पे भी होम स्टे है, वो है विंसी का। तो विंसी का जो होम स्टे है उसके अलावा बाकी होम स्टे गाँव पे बोले तो बहुत सारे होम स्टे अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन पे है, खिड़की वगैरह लगा रहे थे काफ़ी सारे, देख रहा था मैं। और उसके अलावा एक होम स्टे ऐसा है जो गुंजी से जस्ट बाहर पे है, नाभी की तरफ जंगल से जस्ट पहले पे, वो है धर्मिन भाई का, को यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो देखिए गुंजी यहाँ पे है, ये रहा गुंजी, और गुंजी के पीछे पे वो पीछे पे ये देखिए, ये है धर्मिन भाई का होम स्टे जो जंगल से
ठीक पहले है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ गुंजी पे, और गुंजी पे मैंने आप लोग को बताया था कि बहुत सारे होमस्टे वगैरह बनने वाले हैं ना। तो ये देखिए सामने पे, यहाँ पे देखिए खिड़की वगैरह लगा रखी है, यहाँ एक होमस्टे बन रहा है, और पीछे पे भी देखिए दो चार लोग खड़े छत पे, तो यहाँ पे भी होमस्टे बन रही है। ठीक है, तो मैं अभी आपको जो नावी वाले जो थी तरबिंद भाई की होमस्टे वहाँ पर भी ले ही चलता हूँ, क्योंकि क्या होगा कि फिर नहीं दिखाए बोलेंगे, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि यार सबका दिखाया यार तरबिंद भाई का नहीं दिखाया, तो वो दिखाता हूँ, फिर लास्ट में चलेंगे विंसी की। तो मैं अभी आपको गलती से बोल पड़ा नाभी वाले रोड पे बने हैं दरबिन भाई का होम स्टे। ये जो रोड दिखाई दे रही है नपलजो से आ रही है, और ये रही गुंजी, और यहाँ से सीधे पहुँचते हुए हम अभी पहुँच रहे हैं यहाँ दरबिन भाई का होम स्टे, जो है जंगल से ठीक पहले पे, यहाँ पे ठीक। तो देखिए पीछे रह गई है गुंजी, और ठीक सामने पे है ये दरबिन भाई का होम स्टे, जो नाभी विलेज जाने वाले रास्ते पे ही है। तो अभी जो है होम स्टे बंद है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शायद मेरे ख्याल से किचन है या कमरा है, ये दो कमरा तीन कमरा और ये रहा चौथा कमरा। और ये रहा लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था, और यहाँ पीछे क्या है भाई, अच्छा यहाँ पे भी है ये लैट्रिन बाथरूम लग रहा है मेरे को, और सामान पड़े है, इसका मतलब काम चलना अभी बाकी है, थोड़ा बहुत काम अभी है। और तो डेकोरेशन के लिए लाइट वगैरह जो हल्की वाली लाइट होती है ना, वो भी लगा रखी है, जो रात को चलेगी और बहुत खूबसूरत लगेगी। ठीक है, तो ये है दरबिन भाई का होम स्टे, अंदर सोए हुए थे अभी हमने जगा दिया उनको, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना देखो, इतने कमाल का व्यू है। और सीधे यहाँ से पहुँचेंगे तो सीधे पहुँचेंगे हम 1 किलोमीटर के बाद नाभी, डाइनिंग एरिया के लिए बना रहे हैं, और ये किचन यहाँ बनेगा, मैंने किचन आपको यहाँ बता दिया था ना, वो किचन यहाँ नीचे बनने वाला है। तो देखा सबका होम स्टे बन रहा है, और अंडर कंस्ट्रक्शन ही है सबका, प्रॉपर तरीके से बना है। तो अभी वो एक ही है, वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ अब विंसी के होम स्टे पे। और एक होम स्टे मुझे और याद आ गया, लेकिन अभी खुली नहीं है वो, और होम स्टे तरीके से बड़े होम स्टे मतलब ऐसा सोच के बनाया था उन्होंने, बल्लूदा का होम स्टे है, और इस बार कितने यात्री आएंगे उनके यहाँ, कितने नहीं आएंगे, वो भी कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, तो वो भी मैं आपको दिखाते हुए ले चलता हूँ विंसी के होम स्टे पे। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ गुंजी पे फिर से, और ये जो पीछे पे ये वाला जो होम स्टे है ये है बल्लूदा का, अभी ताला लगा हुआ है, और ये लैट्रिन बाथरूम यहीं पर है। और ये तो ये जो मैंने अभी दिखाया ये प्रॉपर होम स्टे है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो आएंगे उसके बाद ही मालूम चलेगा। अरे सॉरी, ये है लैट्रिन बाथरूम इनका, ये किचन है, और ऊपर वाला जो है वो कमरा है। इसके बारे में मेरे को अभी ठीक से मालूम नहीं है कि ये इस बार खोलेंगे या नहीं खोलेंगे होम स्टे। ठीक है, तो एक होम स्टे ये है, अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पे भी पता कर सकते हो अगर आपको कमरा वगैरह ना मिले तो। और चलते हैं आप सीधे विंसी के, और ये यहाँ से ठीक इधर पर जाएंगे तो हमारे मेरे घर पहुँच जाएगा, और मेरे घर से जस्ट नीचे वाले रास्ते से यहाँ से पहुँचूँगा मैं सीधे विंसी के यहाँ पर। और ये नीचे रोड है, यहाँ से चढ़ के तो क्या ही आओगे, पीछे के रास्ते आओगे, पीछे वहाँ के रास्ते आओगे, या फिर आप लोग आओगे गुंजी के रास्ते, मेन एंट्रेंस के रास्ते। तो यहाँ से ऐसे आते हुए ये रहा एंट्रेंस, ये एकमात्र ऐसा होम स्टे है जो अभी पूरी तरह से बन चुका है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था यहाँ पे है कंप्लीट है जो कि, और किचन है वहाँ सामने पे वो भी कंप्लीट है, और रहने की व्यवस्था यहाँ पे है। तो चलते हैं अंदर पे, है एंट्रेंस होते हैं यहाँ पे जितने भी दिखाई दे रहे हैं अलमारी, ये यात्रियों के लिए है, गेस्ट वगैरह जो भी आएंगे अपना सामान यहाँ रख सकते हैं। ये कमरा सॉरी पहले यहाँ जाने से पहले आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ है ये रहे कमरे, यहाँ बेड लगा रखे हैं दो, ये दो बेड यहाँ पे, दो बेड यहाँ पे, छह बेड यहाँ लगा रखे हैं, और सब कुछ रेडी है। और यहाँ पे भी है, हाँ यहाँ पे भी एक कमरा है, यहाँ पे भी एक दो तीन बेड लगा रखे हैं, और यहाँ के बारे में मेरे को मालूम नहीं है, देखता हूँ अभी। ये जो कमरा है इस कमरे के बारे में मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पे आपको रहने के लिए देंगे नहीं देंगे, खुद के भी तो रहने की ज़रूरत होती है ना, उसको पूरा करना ज़रूरी है पहले।
एक कमरा यहाँ पे है, यहाँ पे ये है ओनर का कमरा है, विंसी यहाँ रहता है। तो ये है कुंजी के सारे होम स्टे। तो यहाँ पे अब मैं अपनी वीडियो, आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एंजॉय हमको भी करना पड़ता है, मिल लेते हैं दोस्तों से, जितने भी है भाई बहनों से। ठीक है, और चाय वगैरह पियेंगे, ऐश करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तब तक मिलता हूँ आप लोग को अगले ब्लॉग पे। ठीक है।